morning dear students, I hope you all are fine. So in our previous class we have learned what are the difference between doors and windows. Now today we are going to learn about windows. Okay, so let's get it started. Windows is one of the most popular operating system. विंडो क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है. मीन्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ विंडोज़ ही नहीं होते, बहुत से ऑप्शंस होते हैं. जैसे कि आपने देखा है मैक, ओएस एक्स, लिनक्स. ओके, तो जो विंडोज़ है ये बहुत ही पॉपुलर वर्जन है, मीन्स फेमस वर्जन है. दिस इज़ यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल इन द होल वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में बहुत से लोग हैं, मैक्सिमम लोग विंडोज़ को ही यूज़ करते हैं. वाई इट्स सो, बिकॉज इट इज़ easy to use. ये easy होता है use करने के लिए, that's why इसे बहुत से लोग use करते हैं. okay, turn the page. That is why it is used by most of the people around the world. जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इसी वजह से ये जो window है उसको पूरे world में लोग use करते हैं, because it is easy to use, क्योंकि ये बहुत ही easy होता है use करना. Now, Windows 10 is one of the latest version of Windows operating system. Windows 10 क्या है, एक latest version है operating system का. Means हमारा Windows जो है कई form में आए, means कई version में आए, change होकर इसमें features add होते गए और इसका new version आता गया. However, Windows 7 is widely used. Windows के इतने सारे version आने के बावजूद फिर भी लोग विंडोज़ 7 ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बिकॉज़ विंडोज़ 7 इज़ ईजी टू एक्सेस. विंडोज़ 7 के फीचर्स लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं. ओके, लेट्स सी विंडोज़ 7. व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी. Now let's see about Windows 7. When you switch on the computer, after a few seconds, Windows 7 operating system gets loaded into the computer memory. Okay, so जब भी आप अपने computer का switch on करते हो, आप देखते हो उसके कुछ second बाद आपका Windows 7 operate हो जाता है, means आपके computer के memory में operating system load हो जाता है. This process is called booting. इस process को क्या कहते हैं, booting. While booting, the pictures of the Windows logo appears on the screen. Here you can see कि जब booting होता है तब आपका ये logo के साथ जो पिक्चर है वो दिखाई देता है कंप्यूटर के स्क्रीन पे या लैपटॉप के स्क्रीन पे. आफ्टर अ फ्यू मोर सेकेंड्स अ ब्लू स्क्रीन विद स्मॉल पिक्चर्स ऑन इट अपीयर्स. मीन्स कुछ सेकेंड बाद आप देखते हैं कि आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे एक ब्लू स्क्रीन दिखाई देता है जिसपे छोटे छोटे पिक्चर्स बने होते हैं. This screen is called desktop. उस स्क्रीन को हम बोलते हैं desktop. Here you can see desktop. ये पूरा आपका ब्लू कलर से है तो ये desktop हो गया. And the small pictures are known as icons. और जो ये small pictures आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या हो गए, icons. Clear? Now let's learn about desktop. अब हम learn करते हैं desktop के बारे में. The first screen that appears after booting process is called desktop. जब booting हो जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि booting के कुछ second बाद आप देखते हो कि आपका एक screen blue color का screen दिखाई देता है. okay, so here जो after booting process is called desktop, उसे हम desktop बोलते हैं, we call it desktop. As you have many things at your study table, जैसे कि आपके study table पे बहुत सी चीज़ें होती हैं. Similarly, a computer desktop contains many items on it to work with. Means जैसे आपका जो study table होता है, right? आप उस पर books रखे रहते हो, आपकी stationery सारी जितनी भी होती हैं वो सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं, बिकॉज़ आपको उस पर वर्क करना होता है, राइट. सेम उसी तरह से जो हमारा कंप्यूटर होता है या लैपटॉप होता है उस पर भी आइकन्स बने होते हैं, राइट. और वो सारे आइटम्स जो होते हैं किस लिए होते हैं, वर्क करने के लिए होते हैं. इस पर हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं. ओके,
on the next page, let us discuss some of them. So let's discuss some of them. चलिए हम लोग कुछ देखते हैं उसके बारे में. Like icons. Icon is a small picture that appears on the desktop screen. Icons अभी just मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे small pictures होते हैं, वो icons कहलाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे स्क्रीन पे सामने दिखाई देता है. ईच आइकन रिप्रेजेंट अ फाइल, फोल्डर और अ प्रोग्राम. जितने भी आइकन्स होते हैं वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई फाइल होगी, कोई फोल्डर होगा या फिर कोई प्रोग्राम. यू कैन ओपन आइकन्स बाय डबल क्लिकिंग ऑन देम. जब भी हमें कोई भी आइकन को ओपन करना होता है, हम क्या करते हैं, उस पर माउस से डबल क्लिक करते हैं. ओके, सम ऑफ द आइकन्स आर, उसमें से जो कुछ आइकन्स है उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. लेट्स सी, कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, डॉक्यूमेंट्स एंड नेटवर्क. लेट्स लर्न अबाउट कंप्यूटर. दिस आइकन डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ अ कंप्यूटर. इट डिस्प्लेज ऑल द अवेलेबल ड्राइव्स इन द सिस्टम. द आइकन्स डिस्प्लेज ऑन द कंटेंट ऑफ अ कंप्यूटर मीन्स जो कंटेंट होते हैं कंप्यूटर पे, उसके उससे रिप्रेजेंट करता हुआ एक आपको आइकन दिखाई देता है. इट डिस्प्लेज ऑल द अवेलेबल ड्राइव्स इन द सिस्टम मीन्स वेन एवर यू ओपन द कंप्यूटर यू विल सी देयर आर थ्री ड्राइव्स. यू कैन सी देयर. ओके, तो आपको वो थ्री ड्राइव्स में अलग अलग आपको ओपन करना होता है. उसे जब आप ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको बहुत से फाइल्स शो होंगे. Now let's see documents. It gives the list of all the documents. In the document folder you will see all the documents are present. जितने भी documents होते हैं वो सारे आपके documents में होते हैं. Okay, जितनी भी list होगी, list of documents, सारे आपको documents में मिल जाएंगे. Now recycle bin. Recycle bin क्या होते हैं, let's learn. It displays the list of all the deleted items. रिसाइकल बिन में जितने भी डिलीट किए हुए आइटम्स होते हैं, यू कैन फाइंड देयर. व्हेन वी डिलीट अ फाइल और अ फोल्डर, इट गोज़ टू द रिसाइकल बिन. जब भी हम कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन में. इट एक्ट एज अ डस्टबिन फॉर द कंप्यूटर. जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें ये एक्ट करता है कैसे, एक डस्टबिन की तरह. जो भी फाइल हमें डिलीट करनी होती है वो सारे के सारे डस्टबिन में चले जाते हैं. द डिलीटेड फाइल्स रिमेन इन द बिन अनलेस यू एम्प्टी इट. अनलेस यू एम्प्टी इट. जो डिलीटेड फाइल्स होती हैं वो तब तक आपके रिसाइकल बिन में होती हैं जब तक कि आप उसे एकदम से डिलीट नहीं कर देते. सो बेसिकली होता क्या है इसमें कि जब भी कोई भी फाइल्स डिलीट हो जाती है हमसे, कभी कभी अनजाने में भी डिलीट हो जाती है, मीन्स हम चाहते नहीं हैं बट इट हैपेंस, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम कि रिसाइकल बिन से अपने फाइल को वापस ला सकते हैं. ओके, दैट्स व्हाई रिसाइकल बिन का ऑप्शन होता है. नाउ वी विल लर्न अबाउट नेटवर्क हियर. इट हेल्प्स यू टू कनेक्ट योर कंप्यूटर विद अदर कंप्यूटर्स. मीन्स ये हमें हेल्प करता है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने में. जैसे हम अपने कंप्यूटर से वीडियो कॉल पे बात करते हैं किसके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू. जब तक हम नेटवर्क को कनेक्ट नहीं करेंगे अपने कंप्यूटर पे, जो हमारा साइड में ऑप्शन होता है नेटवर्क, जहाँ पे डेटा को कनेक्ट किया जाता है, जब हमारा डेटा ऑन होता है तो जैसे ही डेटा ऑन होगा हम अपने कंप्यूटर से वीडियो कॉल या फिर लोगों से चैट कर पाते हैं. और वो कैसे पॉसिबल है, जब हमारे पास एक कंप्यूटर होगा और दूसरे के पास भी सेम कंप्यूटर होगा और उसके में भी नेटवर्क कनेक्ट होगा. ओके, सो ये थे आपके विंडोज 7 एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. ऑल्सो वी हैव लर्न अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम. हमने लर्न कर लिया है, समझ लिया है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन. ओके, थैंक यू.